नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बनारस उखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की बारे में, जो कि बनारस स्टेशन से उखा स्टेशन तक समिटी है। बनारस उखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर शनिवार को बनारस स्टेशन से उखा स्टेशन तक चलती है और हर गुरुवार को उखा स्टेशन से बनारस स्टेशन तक चलती है। बनारस स्टेशन से उखा स्टेशन तक 22,970 के रूप में संचालित होती है और विपरीत दिशा से उखा स्टेशन से बनारस स्टेशन तक 22,969 के रूप में संचालित होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बनारस स्टेशन से शाम के 9:45 में प्रस्थान करती है और 36 घंटे बाद तीसरे दिन की सुबह 7:45 में उखा स्टेशन में पहुंचती है। बनारस स्टेशन से उखा स्टेशन तक पहुंचने के लिए 3 दिनों में 23 प्रमुख स्टेशन से होकर गुजरती है। तकरीबन 2,032 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 57 किलोमीटर पर आवर है। LSB कोच वाले ट्रेन है। अगर रूट की बात करें तो बनारस स्टेशन से अपनी यात्रा को स्टार्ट करती है, फिर प्रयागराज जंक्शन होते हुए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचती है, फिर आगरा फोर्ट स्टेशन, सवाई माधोपुर जंक्शन, कोटा जंक्शन, नागडा जंक्शन होते हुए रतलाम जंक्शन में पहुंचती है, फिर आनंद जंक्शन, अहमदाबाद जंक्शन, सुरेंद्रनगर जंक्शन, राजपुर जंक्शन, जामनगर स्टेशन, खम्भालिया स्टेशन होते हुए 36 घंटे बाद तीसरे दिन की सुबह 7:45 में उखा स्टेशन में पहुंचती है। खाने पीने के बारे में बात करें तो बनारस उखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है, जो यात्रियों को आसानी से भोजन करने की विकल्प प्रदान करती है। अगर टिकट किराया के बारे में बात करें तो बनारस उखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटी कार कोच भी शामिल है। तो मैं अभी आपको जो टिकट किराया बताऊंगा बनारस स्टेशन से उखा स्टेशन तक का है। बाकी अब अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। बनारस स्टेशन से उखा स्टेशन तक फर्स्ट एसी का किराया है 5,110 रुपये। बनारस स्टेशन से उखा स्टेशन तक एसी टू टायर का किराया है 2,995 रुपये। बनारस स्टेशन से उखा स्टेशन तक एसी थ्री टायर का किराया है 2,075 रुपये। बनारस स्टेशन से उखा स्टेशन तक स्लीपर क्लास का किराया है 795 रुपये। और बनारस स्टेशन से उखा स्टेशन तक जनरल कोच का किराया है 725 रुपया। ये अपडेटेड है और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर में जाके जरूर कंफर्म करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात करते हैं। बनारस उखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ कितना समय के लिए रुकते हैं, उसका टाइम टेबल क्या है और जान लेते हैं कौन कौन सा स्टेशन आते हैं। बनारस स्टेशन स्टेशन कोड BSBS शाम के 9:45 में बनारस उखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की यात्रा उखा स्टेशन के लिए प्रारंभ होते है। भदोही स्टेशन स्टेशन को BUY शाम के 10:33 में पहुंचती है और 10:35 में प्रस्थान करती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। जोंघाई जंक्शन स्टेशन को GNH शाम के 11:06 में पहुंचती है और 11:08 में प्रस्थान करती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन को PRYZ रात के 12:40 में पहुंचती है और 12:50 में प्रस्थान करती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन स्टेशन को CNB रात के 3:25 में पहुंचती है और 3:30 में प्रस्थान करती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। टुंड्रा जंक्शन स्टेशन को TDL सुबह के 6:45 में पहुंचती है और 6:50 में प्रस्थान करती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। आगरा फोर्ट स्टेशन स्टेशन को AF सुबह के 7:25 में पहुंचती है और 7:30 में प्रस्थान करती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। गंगापुर सिटी स्टेशन स्टेशन को GGC
सुबह के 10 बजे पहुंचती है और 10:05 तो 10:45 का स्टॉपेज है। चौबाई मधुपुर जंक्शन स्टेशन को SWM सुबह के 10:50 में पहुंचती है और 10:55 को प्रस्थान होती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। पोटा जंक्शन स्टेशन को KOTA दोपहर के 12:30 में पहुंचती है और 12:40 में प्रस्थान होती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। नागटा जंक्शन स्टेशन को NLE दोपहर के 3:40 में पहुंचती है और 3:42 में प्रस्थान होती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। रतलाम जंक्शन स्टेशन को RTM शाम के 7:25 में पहुंचती है और 7:35 में प्रस्थान होती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। सायापुरी स्टेशन स्टेशन को CYI शाम के 7:56 में पहुंचती है और 8:01 में प्रस्थान होती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। आनंद जंक्शन स्टेशन को ANND शाम के 9:17 में पहुंचती है और 9:19 में प्रस्थान होती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन को ADI शाम के 10:35 में पहुंचती है और 10:45 में प्रस्थान होती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। मिरंगम जंक्शन स्टेशन को फिजी रात के 11:48 में पहुंचती है और 11:50 में प्रस्थान होती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। सुरेंद्रनगर जंक्शन स्टेशन को SUNR रात के 12:53 में पहुंचती है और 12:55 में प्रस्थान होती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। राजकोट जंक्शन स्टेशन को RJT रात के 2:46 में पहुंचती है और 2:51 में प्रस्थान होती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। हापा स्टेशन स्टेशन को HAPA रात के 3:51 में पहुंचती है और 3:53 में प्रस्थान होती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। जामनगर स्टेशन स्टेशन को JAM सुबह के 7:15 में पहुंचती है और 7:20 में प्रस्थान होती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। खम्भालिया स्टेशन स्टेशन को KMBL सुबह के 5:06 में पहुंचती है और 5:08 में प्रस्थान होती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। द्वारिका स्टेशन स्टेशन को DWK सुबह के 6:16 में पहुंचती है और 6:21 में प्रस्थान होती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। ओखा स्टेशन स्टेशन को OKHA सुबह के 7:45 में ओखा रेलवे स्टेशन पहुंचती है। दोस्तों इसके साथ ही बनारस ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं किसी और ट्रेन के बारे में हम वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।